नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज 4.1 हियर लुक डिवाइड एंड चेक योर आंसर. ठीक है एक्सरसाइज 4.1 डिवाइड एंड चेक योर आंसर. तो डिवाइड करना आपको पता है, आइए हम आपको यहाँ पे डिवाइड करके दिखाते हैं और हाउ टू चेक योर आंसर, हाउ विल यू चेक. ये पेज नंबर आप देख लीजिएगा 56 पे है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा. ठीक है एकदम ये क्लियर आपको दिख रहा है ना, 2346 डिवाइडेड बाय 2, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन. ये पहले आप इसे देख लीजिए. ठीक है फर्स्ट ए 2346 डिवाइडेड बाय 2, ये तो बुक में इस तरीके से दिया गया है कि इसको आप फिल करिए. ठीक है बट आपको इसको लॉन्ग मेथड से मीन्स डिटेल में डिवाइड करना है और आंसर चेक करना है. दिया है डिवाइड एंड चेक योर आंसर. तो स्टेप बाय स्टेप पे नंबर्स मिलते हैं बट स्टार्टिंग की लाइन यदि आपकी गलत होती है, रॉन्ग होता है स्टार्टिंग लाइन, तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलता. मैथ्स का ये नियम है. ठीक है उसमें आपका आंसर यदि आपने सही भी लिखा है फिर भी आपको नंबर नहीं मिलेगा यदि आपने स्टार्टिंग में गलत किया है. तो पहले इसको सॉल्व करिएगा. 2 से डिवाइड करते हैं, 2 है, 3 4 6, 2 1 2 माइनस करेंगे कैंसिल हुआ, 3 को आएगा. डिवाइड करने का तरीका डिवाइड आपको बताया गया होगा, 2 1 2 2 2 करेंगे 4 हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो ज़्यादा लिखना नहीं हमें, या तो इक्वल रहे या तो कम रहे फिर उससे. 3 - 2 1 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 14. आपको ये एरो नहीं बनाना है, ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, आप एरो नहीं लगाएंगे. ठीक है और नहीं समझ में आ जाता है तो आप पेंसिल से एरो ड्रा कर सकते हैं. 7 टाइम जाएगा इसमें, 2 7 14 कैंसल हुआ यानी कि 0 आ जाएगा, ए यहाँ पे 6 आया, 2 3 6 रिमाइंडर आपका क्या बचा, कुछ भी नहीं, 0 ये कैंसल हो गया यानी कि 0 बचा. अब आप चेक कैसे करेंगे. ठीक है तो यहाँ पे होता है ठीक है डिवीजर इनटू क्वेश्चन, क्या होता है डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड. ठीक है ये आप लिखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन नहीं डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन दिख रहा है प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड. ठीक है ये डिविडेंड लिखा गया है. ठीक है यहाँ से फिर से देखिए पूरा, डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड. तो डिवीजर क्या है, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो नंबर डिवीजर होता है, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो नंबर डिवीजर होता है. तो क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय डिवीजर. ठीक है क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय डिवीजर, इसको आप आगे भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन और डिवीजर को मल्टीप्लाई करना है और रिमाइंडर जोड़ देना है. 80 है, क्वेश्चन और डिवीजर को मल्टीप्लाई करना है, रिमाइंडर को जोड़ देना है. मल्टीपल के आइडेंटिटी में पढ़े थे आप लोग कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 2 को 3 से करें या 3 को 2 से करें बात एक ही है. ठीक है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज हैं. आ जाइए यहाँ पे, तो क्वेश्चन क्या है, 1173. अब रिमाइंडर तो कुछ है नहीं तो हम जोड़ेंगे क्या, कुछ भी नहीं. अब इसको सॉल्व करिए,
6432 कितना आया, इक्वल टू क्या हुआ डिविडेंड, 82346 यही तो है डिविडेंड। यहाँ पे देखिए यही तो आपका डिविडेंड है ना, तो ये इसके बराबर हुआ, ये आपका चेक हो गया, दिस वन प्रूव्ड। तो ये तो आपका आप चेकिंग हो गई, ठीक है, ये डिवीजन आपके इस डिवीजन की चेकिंग हो गई और ये आपका आंसर हो गया। तो जो यहाँ फिल करेंगे 1173 बस इतना फिल करेंगे, ये आंसर चेक करना है, इतना आपको डिवाइड भी करना है तब इसको फिल करना है और उसके बाद ये आंसर चेक करके इसको इतना लिखना है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, बाकी हम आगे भी सॉल्व करके बताएंगे, होमवर्क नोट कर लीजिए। सॉल्व एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, तो इसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। सॉल्व एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।